हाय फ्रेंड्स, आज मैं चार पीस पके हुए केला से कुछ नया बनाने जा रहे हैं जो छोटे से लेकर बड़े तक सबको पसंद आएगा और वो टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्थी भी होगा। तो आइए फ्रेंड्स रेसिपी देख लेते हैं। चार पीस पके हुए केला लिए हैं मैंने। केला को थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। अब एक नॉनस्टिक के पैन में चीनी छिड़क देंगे। एक एक पीस केला को ऐसे चीनी के ऊपर बैठा देंगे। एक मिक्सिंग बाउल में दो अंडा तोड़ के डालेंगे। चार टेबलस्पून भर के चीनी डालेंगे। अब अच्छे से फेंट लेंगे जब तक चीनी अच्छे से अंडे के साथ मिक्स्ड ना हो जाए। चार टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ी देर के लिए। एक स्ट्रेनर में छोटे साइज की कटोरी का एक कटोरी मैदा डालेंगे। डाल देंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 चुटकी नमक डालेंगे। अब सारे चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। अब सारे चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ग्लास दूध लिए हैं मैंने। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फिर से थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर का जो थिकनेस है वो ऐसा होना चाहिए। एक ग्लास दूध लिए थे मैंने, आधा ग्लास दूध बच गए हैं। अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस। अब अच्छे से फेंट लेंगे। एक पुराना तवे को 5 मिनट मीडियम फ्लेम में गर्म करके लिए हैं मैंने। अब इस पैन के ऊपर चीनी और केला का जो पैन है उसको रखेंगे। अब जो बैटर बनाए थे उसको डाल देंगे केला के ऊपर। अब पैन को ढक देंगे। अब ढक्कन में जो होल है उसको टिश्यू से लॉक करेंगे। अब हाई फ्लेम में 5 मिनट रखने के बाद स्लो फ्लेम में 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ढक्कन हटाएंगे और एक स्टिक से चेक करेंगे केक अंदर से अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। स्टिक अच्छे से क्लीन आए हैं, इसका मतलब केक अच्छे से कुक हुआ है। केक हल्का ठंडा हो गए हैं। अब पैन के ऊपर प्लेट को पलट के उसके ऊपर पैन को पलट के केक को बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना यमी यमी बनाना केक बन के रेडी हुआ है। अगर ये बनाना केक की रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, इंजॉय।